पुलिस विभाग से बतौर इंस्पेक्टर अवकाश ग्रहण करने वाले वीके चतुर्वेदी ने समाज में सक्रिय रहने का एक नुस्खा खोज निकाला। उन्होंने आज साक्षी स्थित पुलिस कैंटीन में बिल्कुल घर जैसे निर्मित आचार लॉन्च की। वर्तमान में 3 फ्लेवर बाजारों के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुँचेंगे, जिसमें मिस्क, हरी मिर्च तथा आलू शामिल है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, पूरी तरह सरसों तेल द्वारा निर्मित, लोगों की सेहत पर कोई खराब असर नहीं डालेगा। श्री चतुर्वेदी ने कहा कि वैसे तो वे वर्ष 2004 से ही इसकी शुरुआत कर चुके थे, लेकिन पुलिस विभाग में ड्यूटी में व्यस्त रहने के कारण यह धीमा पड़ गया था। अब नए सिरे से इसकी शुरुआत की जा रही है। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में गिरिजा फूड प्रोडक्ट्स के नाम पर इसे तैयार किया जा रहा है। आंवला का अचार भी उन्होंने निर्मित किया था, जिसका स्टॉक खत्म हो चुका है। जल्द ही वे सहजन व मशरूम का अचार भी बाजार में लाएंगे। इरादा है कि देश के साथ साथ विदेशों में लोग इसे पसंद करें। फिलहाल यह अचार 300 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो तथा 5 किलो के पैक जार में उपलब्ध होगा। इसकी कीमत 80 रुपए से आरंभ होती है, लेकिन जमशेदपुर वासियों के लिए इसमें छूट 2004 का ही है। उस समय हम दुमका जिला में पोस्टेड थे और वहाँ पर हमारे वरीय पदाधिकारी लोगों की एक पार्टी रखी गई थी, जिसमें मेरे घर का बनाया हुआ अचार 7-8 वेराइटी का था, जिसको लोगों ने बहुत अप्रिसिएट किया। एक हमारे आईजी थे और उस समय एसपी थे, अब तो आईजी होकर रिटायर किए, नरेश प्रसाद जी, सरायकेला के पहला एसपी थे। तो उन्होंने कहा कि इसको तुम लोगों तक पहुंचाओ। उसी समय हमारे दिमाग में आई थी, जिसके आधार पर 2004 में शुरू किए थे, लेकिन सेवा में रहने के कारण और पत्नी नहीं उतना संभाल पाई, इसलिए एक फिर धीरे धीरे मार्केट में नहीं आने लगा। अब इधर सेवानिवृत्ति के बाद इसको हम फिर से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या प्राइस होगा इसका? प्राइस इसका 80 के आसपास होगा। अच्छा। और जमशेदपुर के लोगों के लिए कुछ विशेष छूट मिलेगी।